वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप किस तरीके से अपने DSLR या फिर मिररलेस कैमरा को यूज करके लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। मिररलेस कैमरा या फिर DSLR को जब आप यूज करते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर, तो एक बहुत बढ़िया बुके इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ऑडियंस के साथ जो एंगेजमेंट है वो काफी बेहतरीन हो जाती है। कैमरा का फायदा ये भी होता है कि आप जूम इन जूम आउट वाला इफेक्ट भी ला सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के बीच में। और जब हम लाइव स्ट्रीमिंग की बात करते हैं कैमरा को यूज करके, तो वहाँ पे कुछ मेथड्स हैं। आज हम जिस मेथड को यूज करने जा रहे हैं वो है हमारा कैप्चर कार्ड का मेथड। ये हमारे पास पी बॉक्स इंडिया का कैप्चर कार्ड। कैप्चर कार्ड दोस्तों क्या करता है, एक वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस है बेसिकली। ये डिवाइस एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स में, जो हमारे कैमरा से आते हैं। बेसिकली जो भी आपके कैमरा की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होता है, उसको आप अपने स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के अंदर देख सकते हैं। इस प्रोसेस के लिए कैप्चर डिवाइस यूज किया जाता है। तो हमारे पास है पीबॉक्स इंडिया का कैप्चर डिवाइस। और कैप्चर जो कार्ड होते हैं काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी आते हैं बहुत सारे ब्रांड्स के। हमारे पास जो है ये है अंडर 1000 रुपीज का। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अभी जो हम कैमरा यूज करेंगे वो करेंगे सोनी का A6400, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं। और सेकंड चीज आपको चाहिए ये कैप्चर कार्ड, फिजिकल कंपोनेंट है। और थर्ड चीज जो हमें चाहिए वो है एक HDMI केबल, बेसिकली माइक्रो HDMI टू HDMI केबल है। इसको हम यूज करेंगे वीडियो को कैप्चर करने के लिए अपने स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। तो आइए फटाफट से अनबॉक्सिंग देख लेते हैं इसकी। ये है पीबॉक्स इंडिया का कैप्चर कार्ड, कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके रिव्यूज मैंने देखे थे, काफी अच्छा कैप्चर कार्ड है। बेसिकली कैप्चर कार्ड बहुत सारे ब्रांड्स बना रहे हैं, लेकिन जो वीडियो क्वालिटी है वो मैटर करती है। इसकी वीडियो क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। आइए इसको ओपन करते हैं। ये है कुछ इसका बॉक्स, आप देख सकते हैं। 1 ईयर की वारंटी आपको प्रोवाइड करते हैं पीबॉक्स। ये एक इंडिया की ब्रांड बता रहे हैं खुद को, पीबॉक्स इंडिया। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। सो बहुत ही सिंपल सी पैकेजिंग है। ये आपका कैप्चर कार्ड आ जाएगा इसके अंदर, और ये आपको स्टैंड मिल जाता है प्लास्टिक का। मोबाइल स्टैंड है, इस तरह से रख सकते हैं ऐसे। ये है दोस्तों OTG अडेप्टर, यहाँ पे USB है, यहाँ पे टाइप सी है, स्मार्टफोन की स्ट्रीमिंग के लिए दिया गया है। तो ये दोस्तों हमारा कैप्चर कार्ड पीबॉक्स इंडिया यहाँ पे मेंशन है, 4K आउटपुट के साथ आता है। काफ़ी छोटा सा ये कैप्चर कार्ड है, और केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ब्रेडेड केबल है आप देख सकते हैं, कुछ इतनी बड़ी है ये। और ये जो मैंने आपको अडेप्टर दिखाया OTG अडेप्टर, इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल के थ्रू अगर स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोस्तों हमारी माइक्रो HDMI टू HDMI केबल, और ये अमेजोन बेसिक्स की हमने ऑर्डर करी थी। ये अप टू 6 फीट की है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसको अभी हम यूज़ करने वाले हैं अपने कैमरा में। तो ये है हमारा कैमरा और A6400, जिससे वीडियो शूट करते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसके पोर्ट्स, इस पर नज़र डालिए आप, कन्फ्यूज़न सारी दूर कर देते हैं। तो अभी हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं कैप्चर कार्ड का मेथड है, उसके लिए हम यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं आप HDMI पोर्ट, इसको ओपन करेंगे इस तरह से। यहाँ पे आपको माइक्रो USB मिलेगा, और उसके बाद आपको थोड़ा सा चौड़ा वाला यहाँ पे मिलेगा। ये जो चौड़ा वाला है ना बीच का पोर्ट, ये होता है माइक्रो HDMI पोर्ट। ये हमारी केबल, इसको हम बीच वाले में इंसर्ट करेंगे। ये लग गया। अब ये हमारी माइक्रो USB है, इसको हम इसमें लगा देंगे। तो अब इससे बेनिफिट क्या होगा, साइड बाय साइड आपका कैमरा चार्ज भी होगा, बैटरी डिस्चार्ज भी नहीं होगी, और लाइव स्ट्रीमिंग आप अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक कर पाएंगे। हम भी जब लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो ये सेटअप यूज़ करते हैं, ताकि जो बैटरी है वो ड्रेन ना हो, हमारी लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू हम करते रहें। देखिए ये आपका कैप्चर कार्ड है, इसमें आपको HDMI को ऐसे इंसर्ट कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइट रहेगा, कोई बात नहीं, अब ये इंसर्ट हो गया। अब ये जो USB पोर्ट है, इसको आप अपने लैपटॉप में लगा देंगे। तो लैपटॉप रखा हुआ है, अब चलते हैं लैपटॉप के ऊपर, और इसका काम पूरा हो चुका है। जस्ट इसको आपको ऑन कर देना है, जस्ट इसको हम यहाँ से ऑन कर देंगे कैमरा को। तो अब ये जो हमारी स्क्रीन होगी ये हमारे OBS के अंदर आ जाएगी, जैसे ही हम इसको इंसर्ट करेंगे। आइए दिखाता हूँ। तो अभी OBS ओपन कर लिया है, और यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं OBS ओपन है। और कुछ पहले से मैंने यहाँ पे अपने सीन्स वगैरह सेट करके रखे थे, तो मैं उसे डिलीट कर देता हूँ एक बार। सोनी को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। जब भी आप OBS को ओपन करेंगे तो आपका सिंपल सीन रहेगा, कोई भी एक हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपल सीन मैंने रखा हुआ है, ब्लैक स्क्रीन है एकदम, और कैमरा को इंसर्ट कर दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, और हम जाएंगे वीडियो कैप्चर डिवाइस पे। इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, मैं सोनी दे देता हूँ। ओके कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिवाइस के अंदर USB 3.0 कैप्चर के नाम से एक ऑप्शन शो होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन के ऊपर हमारा कैमरा आ चुका है, और स्क्रीन कैप्चर होने लग जाती है। इसको जस्ट हम अब क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप इसको अपने ओरिजिनल स्क्रीन साइज़ के अकॉर्डिंग सेट कर लीजिएगा। थोड़ा सा जूम्ड है, क्योंकि जो मेरा लाइव सेशन था उसका यहाँ पर प्रोफाइल सेट था, तो मैंने इसको ऐसे जूम कर दिया है।
सो अब यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कोई भी चूज कर सकते हैं अपने कैमरा के अंदर कि आप फुल HD में स्ट्रीम करना चाहते हैं या फिर 4K में करना चाहते हैं। तो अभी जो सेटअप है वो हो रखा है 4K के अंदर, तो 4K शूट हो रहा है। क्वालिटी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आएगी जब भी आप लाइव स्ट्रीमिंग को ऑन करेंगे। कुछ नहीं करना है, काफ़ी सिंपल सा सेटअप रहता है। और जैसे ही आपका जो कैमरा है वो इसके अंदर कैप्चर होने लग जाता है, आपके मेन कैमरा की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, वहाँ पे कुछ भी शो नहीं होता है, वहाँ की स्क्रीन अब डायरेक्टली इसके अंदर कैप्चर होती हुई नज़र आती है आपके स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। उसके बाद काफ़ी सिंपल है, आप जाएंगे सेटिंग के अंदर, सेटिंग में जाने के बाद स्ट्रीम पे जाएंगे और यहाँ पे कोई भी आपको सर्विस चूज़ करनी हो, YouTube पे स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो YouTube चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपका चैनल है वहाँ से स्ट्रीम की डाल दीजिए, स्ट्रीम का सर्वर URL डाल दीजिए, उसके बाद आप सेटिंग्स को अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। और जैसे ही आप स्ट्रीमिंग को ऑन करते हैं यहाँ से स्टार्ट स्ट्रीम, आपकी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है आपके मिररलेस कैमरा या फिर DSLR के वीडियो से। क्लैरिटी भी आप देख सकते हैं कि इस पीबॉक्स इंडिया का जो कैप्चर डिवाइस है इसकी काफ़ी ज़बरदस्त आ रही है। आप देख सकते हैं कि मैंने इतना जूम भी कर दिया OBS के अंदर और जो क्वालिटी है वो अनदर लेवल की है। बाकी जो कैप्चर कार्ड्स थे उनकी रेटिंग्स और उनके रिव्यूज इतने अच्छे नहीं थे, पीबॉक्स की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन थी जिसके लिए हमने ये वाला ऑर्डर किया। सो अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं, टेस्टिंग पीरियड में है। अभी जो हमारा अमेज़ॉन का लाइव सेशन हुआ था वहाँ पे भी हमने यही कैप्चर कार्ड यूज़ करके स्ट्रीमिंग की थी, ऑलमोस्ट 1 आवर की स्ट्रीम चल रही थी कंटिन्यूअसली। सो काफ़ी आसान तरीके से आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं कैप्चर कार्ड को यूज़ करके। बेनिफिट होता है कि क्वालिटी काफ़ी अच्छी आती है, अप टू 4K कंटिन्यूअसली अगर आप स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो आप कैप्चर कार्ड को यूज़ करें, बेनिफिशियल रहता है। आपके कैमरा के ऊपर लोड नहीं पड़ता है, उतनी हीटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी अपने कैमरा के अंदर क्योंकि कैप्चर डिवाइस बीच में ब्रिज का काम करता है। एंड बेनिफिट ये होता है कैप्चर कार्ड को यूज़ करने का कि आप अपने कैमरा को चार्ज भी कर सकते हैं साइड बाय साइड अगर आप HDMI पोर्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इसकी पीबॉक्स इंडिया वाले कैप्चर कार्ड की। बहुत सारे कैप्चर कार्ड्स आते हैं, कुछ जो महंगे ब्रांड्स हैं उनके 10,000-15,000 के आते हैं, तो अगर आप उनको परचेस करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। बाकी बजट फ्रेंडली कैप्चर कार्ड ढूंढ रहे हैं तो ये वन ऑफ द बेस्ट कैप्चर कार्ड है मेरे हिसाब से। बाकी सभी कैप्चर कार्ड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, इसका सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपके पास कैप्चर कार्ड नहीं है और ये जानना चाहते हैं कि इस तरीके से आप अपने मिररलेस कैमरा या फिर DSLR को यूज़ करेंगे अपने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, बहुत ही जल्द उसके ऊपर भी हम वीडियो लाने वाले हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं खर्चा वर्चा करना, बिल्कुल भी पैसे बचाना चाहते हैं, डायरेक्ट कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो उस पर भी आपको वीडियो जल्दी मिल जाएगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, और चैनल पे पहली बार देखी है तो टेक थेरेपी को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की क्वालिटी टेक कंटेंट को देखने के लिए। फिर मिलेंगे आप सभी से एक और नई एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी कंटेंट की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा इसी तरह। हैव अ नाइस डे।